हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉगचा। चूँकि मेरे कल एक दोस्त ने कहा है कि मैं इसको व्लॉगचा कहूँगा, क्योंकि छोटा सा होता है, मिनी सा होता है, इसमें पूरा दिन का मैं हाल अहवाल जो होता है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि इसको व्लॉगचा कहा जा सकता है। मैंने कहा चलें ठीक है, इंटरेस्टिंग है। शायद उन्होंने किसी और सेंस में कहा हो, ये भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल जो भी था हमें तो अच्छा लगा। तो भाई वेलकम टू द न्यू व्लॉगचा। तो भैया कहना ये है कि आजकल दिन बड़े अजीब से गुजर रहे हैं, सारों को पता है, और मेरे दिन कुछ क्रिएटिव वेक्टर आर्ट के ऊपर काम करने पे बन गुजर रहे हैं। या फिर हम सीज़न आजकल देख रहे हैं जी, पीकी ब्लाइंडर्स, और बड़ा डार्क सीज़न है। जिनको उसके बारे में नहीं पता, तो मैं सादा लफ्ज़ों में अगर आपको समझाऊं, जिस तरह से सेक्रेड गेम्स है, मतलब हमारा वो सोसाइटी दिखाई जाती है जो कहीं ना कहीं हमारी एग्जिस्ट करती है, हम जानते हैं उस सोसाइटी को, और ये नॉर्मल मूवीज़ में कम दिखाया जाता है। तो जिस तरह वो सेक्रेड गेम्स सीज़न है, उसमें भी ये चीज़ दिखाई गई है, एक गैंग्स और इस तरह का सारा पूरा माहौल दिखाया गया है। तो बिल्कुल वैसे ही जो इंग्लिश गैंग्स थी पुराने दौर की, 1919 और इस तरह से 1919 के दौर की, ठीक है, तो उस दौर की ये कहानी है। और ये गैंग होती है पीकी ब्लाइंडर्स, और अभी मुझे समझ में ज़्यादा नहीं आ रही है, उसमें से कम्युनिस्ट भी हैं, कम्युनिस्ट में फिर एक बंदा होता है जो कम्युनिस्ट होता है और इस चीज़ के लिए उस मतलब अपने लोग इकट्ठे कर रहा होता है, और एक जो है ना आवाज़ उठा रहा होता है। तो उसका बच्चा पैदा हुआ, उसका बच्चे का नाम बिच कार्ल मार्क्स है। और कार्ल मार्क्स आपको शायद पता हो या ना हो, हमें तो पता है, जिसने थ्योरी पेश की थी कम्युनिज्म और इस तरह की, कहीं पर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, अब याद नहीं है। तो पीकी ब्लाइंडर्स बेसिकली उस दौर के गैंग्स को दिखाया जा रहा है, जिस तरह से हमारी सेक्रेड गेम्स इंडियन गैंग को दिखाया गया, उसी तरह से इंग्लिश गैंग है। तो काफ़ी डार्क है, बहुत होती है सम टाइम बोरियत होती है, लेकिन इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है आपको, बस कोड़ा कड़वा जो है ना आपने घूंट भरना है, इंशाल्लाह आपको पसंद आ जाएगा अगर आपने देखना है तो। या तो वेक्टर आर्ट पे काम हो रहा है, या सीज़न देख लेते हैं, या फिर तबीयत अभी तक पूरी तरह संभली नहीं है, तो अभी बस बेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस आप सबसे इल्तमास है कि दुआएं करें और सलामत रहें, खुश रहें। बाकी आप सब मेरे ख्याल में अगर कोई लोग देखते तो काफ़ी सारे लोग हैं, खैर 50 के करीब तो हैं देखने वाले, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कभी फेसबुक वाले हमें भी थोड़ी बहुत प्रमोशन दे देंगे तो हमारे व्यूवर्स बढ़ जाएंगे। तो अभी के लिए ये है कि यार जितने भी दोस्त मेरे देखते हैं, 50 मेरे लिए बहुत हैं, 30 भी बहुत हैं, 10 भी बहुत हैं। आप बताएं भैया, आपने बस क्रिएटिव करना है, ठीक है, आपने बताना है कि आपका पूरा दिन कैसे गुजरता है, लेकिन आपने उसको एक सेंटेंस में पूरा करना है, मतलब एक सेंटेंस में आपने बता देना है कि आपका दिन कैसे गुजरता है। और ये कल जो है ना, कल मैं आपके कॉमेंट्स इंशाल्लाह अपने व्लॉग में रीड आउट करूँगा। तो अपना ख्याल रखिए, सलामत रहे। और निम्रा आई हुई है बाहर, वो कह रही है खोलो गेट, खोलो, तो मैं गेट खोलता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगले ब्लॉग में।